जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों का समर्थन राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। जिस तरीके से जेएनयू जाकर राहुल ने जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध किया था और मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे, उस मामले में अब मुकदमा चलने वाला है। दिल्ली के जेएनयू में छात्रों से मुलाकात करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देशद्रोह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जेएनयू गए थे और वहां के छात्रों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। इस मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल के खिलाफ देशद्रोह का केस दायर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राहुल के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया था। वहीं जेएनयू विवाद में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी लखनऊ जिला अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ खंड की जिला अदालत में अधिवक्ता प्रमोद पांडे ने एक अर्जी दाखिल की है। प्रमोद पांडे ने अपनी इस अर्जी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर देशद्रोह की रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर इन धाराओं में मुकदमा चलेगा 124 IPC। राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या रोकने के उद्देश्य से उन पर हमला करना 124 का राष्ट्रद्रोह, धारा 500 यानी मानहानि, धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। उपरोक्त धाराओं में मुकदमा चलाने की मांग परिवादी द्वारा की गई है। मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने के बाद तय करेंगे कि मुकदमा किन धाराओं में चलाने योग्य है या नहीं, लेकिन फिलहाल अब अगली सुनवाई पर ही नजर होगी जब जज सुनवाई करेंगे।